तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूँ अपने ए टू जेड फौजी ब्लॉग में दोस्तों। तो दोस्तों एक आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। जो आज का वीडियो होने वाला है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023। हाँ दोस्तों आप गौर से सुनिएगा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 जो 3 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आपको पूरी ए टू जेड जानकारी देंगे। पूरे हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाली घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। चलिए आइए आज बात करते हैं राजस्थान पुलिस का। देखिए इसमें आपको हम बात करते हैं, देखिए ये जो 3 तारीख का इसका नोटिफिकेशन निकला है रात को 9 बजे करीब में निकला है, और ये कब से अप्लाई होगा, कितना सीटें हैं, क्या मांग रहा है, सब बात करेंगे। तो ये देख लीजिए, पहले देखिए इसका अप्लाई डेट 7 अगस्त से ये अप्लाई शुरू हो जाएगा, जो कि आपको 27 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें 28 से लेकर 30 तक करप्शन डेट है, जो भी आप अगर फॉर्म भरते हैं गलती हो जाता है तो आप 28 से 30 तक इसको सुधार सकते हैं। यही बात करते हैं इसका अप्लीकेशन का फीस कितने रहने वाला है। तो ये देखिए आराम से आप जनरल OBC EWS के कैंडिडेट के लिए 600 रुपये, SC ST कैंडिडेट के लिए 400 रुपये। इसमें कोई महिलाओं के लिए छूट नहीं दिया गया है दोस्तों, आप ये भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें आपकी योग्यता क्या मांग रहा है, आपका क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। तो ये देखिए राजस्थान 10+2 पास होना चाहिए, 120 मार्क्स यानी आपका 40% मार्क्स होना चाहिए जनरल और OBC के लिए। SC ST हैं तो आपका 35% मार्क्स होना चाहिए, और TSP एरिया से आप रहने वाले हैं तो आपका 90 यानी 30%, यानी 40%, 35% और 30% आपका मार्क्स होना चाहिए। 12वीं पास होना चाहिए किसी भी आप बोर्ड से। अब बात करते हैं इसमें एज कब से मांग रहा है। तो देखिए 2/1/2020 से 1/1/2006 के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए, और महिला के लिए बात करते हैं तो 1995 से 1/1/2006 के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए, सिर्फ कांस्टेबल GD के लिए। अगर आप ड्राइवर के लिए भरते हैं तो आपको 12वीं पास और आपको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल 1 साल पुराना होना चाहिए। वहीं आगे बात करते हैं एज का। तो देखिए आपको पुरुष के लिए 2 जनवरी 1997 से 2006 के बीच में होना चाहिए, और यही महिला की बात करते हैं तो 1992 से लेकर 2006 के बीच में होना चाहिए। आगे एक पोस्ट निकला है देखिए टेलीकॉम का, अगर आप टेलीकॉम के लिए अप्लाई करते हैं तो 12वीं पास, पुरुष के लिए 2000 से लेकर 2006 के बीच में आपका जन्म डेट होना चाहिए, और महिला के लिए 1995 से 2006 के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं टोटल पोस्ट का, तो टोटल पोस्ट का इसमें बात कर लेते हैं तो 3578 टोटल पोस्ट होना है। इसमें आपको कैटेगरीज वाइज दिया गया है कि इसमें कितनी सीटें होने वाली है। देखिए GD के लिए 3536 यानी टोटल सीटें आपको 3578 सीटें होने हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। यहीं आगे बात कर लेते हैं आपका हाइट वगैरह क्या मांग रहा है। तो हाइट देखिए पुरुष के लिए 1.68 सेंटीमीटर, महिला के लिए 1.52 सेंटीमीटर, और चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर। रनिंग की बात कर लेते हैं तो पुरुष के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में, और महिला के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ 35 मिनट में मांग रहा है। जो भी आपको जानकारी होगी इस पर हमने आपको दे दिया है। अब इसका हम नोटिफिकेशन पे आपको लेके चलते हैं, आप नोटिफिकेशन पे भी हम आपको समझा देते हैं कि नोटिफिकेशन पे क्या मांग रहा है। आप नोटिफिकेशन में देखिए, हम आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से समझा देते हैं कि देखिए राजस्थान पुलिस जयपुर 3 अगस्त 2023
तो इनको आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, नोटिफिकेशन संख्या ये हो गया, कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन संख्या हो गया। इसमें अलग अलग आपको रिक्तियाँ दी गई है, 3578 सीटें दी गई थी। देखिए समान चालक, समान कांस्टेबल, जीडी, बैंड, घुड़सवार, बैंड और श्वासन दल, पुलिस के दूरसंचार बल के लिए आपको ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे बात करते हैं, आपको पहले ही बताया था 40 अंक, 36% और 30% आपका होना चाहिए अगर आप ये फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने का डेट बीच में दिया है, देखिए नोटिफिकेशन में 7/8/2023 से 27/8/2023 तक ये फॉर्म आपको भरे जाएंगे। आगे चलिए बात कर लेते हैं इसमें कि फीस के लिए बात करते हैं, तो फीस देखिए आपको ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 600, एससी एसटी के लिए 400 का फीस रखा गया था। सारे माप तौल जो भी है आगे बात करेंगे दोस्तों, बने रहिए। फिर आपको देखिए नीचे लेके स्क्रॉल करके आते हैं तो और इसमें दिया है दोस्तों, देखिए आपका जो भी है आपका क्वालिफिकेशन देखिए, जिला पुलिस इंटेलिजेंस के लिए कृषि मान्यता प्राप्त से 12वीं पास, और अगर पुलिस दूरसंचार यानी टेलीकॉम के लिए भरते हैं तो आपको 12वीं पास भौतिकी और विज्ञान और गणित होना चाहिए। आगे चलिए बात कर लेते हैं, देखिए ड्राइवर के लिए आपको पहले ही बताया था दोस्तों, अगर ड्राइवर के लिए भरते हैं तो आपको एक वर्ष पूर्व मतलब पुराना आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल आपको दोनों में से कोई एक होना चाहिए, एक साल पुराना। आयु की सीमा की बात कर लेते हैं तो आपकी जो भी एज है उस हिसाब से आप देख सकते हैं, आपको पहले ही बता दिया था पुरुष के लिए 2006 के बीच में आपका होना चाहिए, महिला के लिए 1995 से 2000 के बीच में होना चाहिए। आगे इसी में और बात कर लेते हैं तो फिजिकल का हो गया, इसमें आपका टेस्ट क्या क्या होने वाला है तो आपको हम बता देते हैं दोस्तों। देखिए शारीरिक माप तोल आपका जो भी होगा योग्यता के अनुसार होगा, इसमें आपको ये देखिए आपका रनिंग का हो गया 5 किलोमीटर का, पुरुष के लिए 25, महिला के लिए 35, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट और ट्राइबल बल क्षेत्र यानी जो भी जनजाति के हैं उसके लिए 30 मिनट का सभी पोस्टों के लिए होने वाला ये है दोस्तों। चलिए आगे वही बात कर लेते हैं, और इसमें फिजिकल का हो गया, कंप्यूटर, अब देखिए आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे उसका भी अंक है दोस्तों। देखिए तार्किक योग्यता जो कंप्यूटर से और सामान्य ज्ञान आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 नंबर के, और बाकी सब विषयों में आपको समान ज्ञान, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विषयों पर आपको राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी संस्थाओं में संबंधित जानकारी से आपको 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के भूगोल और राजस्थान के यानी आपको लोकल जो भी हैं उनके क्षेत्र से आपको 45 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी टोटल 150 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आप आराम से उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उसका जो भी सिलेबस दिया गया है हम आपको दे देंगे, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें देखिए दोस्तों एक और बात है, इसमें अगर आप एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट लगाते हैं, चाहे ए बी सी, तो देखिए आपको सी लगाते हैं तो 10 अंक, बी लगाते हैं तो 8 अंक और ए लगाते हैं तो 6 अंक। अगर आप वहीं होम गार्ड की अगर सेवा किए हैं तो अगर आप 3 वर्ष तक सेवा किए हैं तो 10 अंक, 2 वर्ष तक का 8 अंक और 1 साल के लिए 6 अंक आपको दिया जाएगा। अगर डिप्लोमा वगैरह भी किए हैं तो 10 अंक, 8 अंक, इसी आधार पे आपको अंक दिए जाएंगे दोस्तों। तो बस एक आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसका वीडियो अगर डिटेल में देखना है तो इसको एक डिटेल वीडियो बना देंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो बस आप जाइए फटाफट से, फॉर्म जिस दिन डेट से 7 तारीख से शुरू हो रहा है आप 7 तारीख से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।